नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पूरी तरह से म्यूचुअल स्टॉक के बारे में, जहां पर दोस्तों आजकल कई ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि म्यूचुअल स्टॉक क्या IPL 2020 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और अगर खेलेंगे भी तो वो रिप्लेसमेंट के तौर पर किसकी जगह पर टीम में आ सकते हैं। इसी को लेकर सारी बातचीत आगे इस वीडियो में करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप भी IPL 2020 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वही हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि IPL 2020 या फिर क्रिकेट की कोई भी अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मिचेल स्टार्क को मौजूदा समय में सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है। वो जिस भी टीम में रहते हैं उस टीम का पलड़ा पहले ही भारी रहता है। स्टार्क चाहे शुरुआती ओवर्स में गेंदबाजी करे या फिर अंत के ओवर्स में गेंदबाजी करे, वो कसी हुई गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाज उनके सामने घुटने टेक देते हैं। इसी वजह से दोस्तों फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्टार्क IPL 2020 में किसी भी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर वापस आ जाए और किसी भी टीम के लिए खेलते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि मिचेल स्टार्क जो है IPL 2020 में अब हिस्सा नहीं ले सकते हैं, वो IPL 2020 में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई यही है, क्योंकि IPL 2020 के लिए स्टार्क ने अपना नाम ही रजिस्टर नहीं करवाया था, इसी वजह से वो IPL 2020 खेलने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। और इसी वजह से दोस्तों वो किसी भी खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट के तौर पर भी IPL 2020 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। स्टार्क ने ऑक्शन 2020 से भी अपना नाम वापस ले लिया था, और मेन रीजन यही है जिसकी वजह से स्टार्क IPL 2020 में नहीं खेल पाएंगे। वही दोस्तों, स्टार्क ने कहा था कि वह IPL 2020 से नाम वापस लेने के लिए अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट भी स्टार्क का याद कर लीजिए, उन्होंने ये भी कहा था कि वह अपने फैसले को नहीं बदलेंगे। स्टार्क ने वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तरोताजा रखने के लिए IPL में नहीं खेलने का फैसला किया था। हालांकि 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप COVID-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है, जबकि UAE में 19 सितंबर से IPL 2020 की शुरुआत होने वाली है और 10 नवंबर को इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दूं कि स्टार्क ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि IPL अब जब अगले साल होगा और मुझे खेलने की इच्छा हुई, लोग मुझे खेलते हुए देखना चाहते होंगे, तो मैं निश्चित तौर पर इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन जहां तक इस साल की बात है तो मैं अपने फैसले से काफी खुश हूं। स्टार्क ने यही फैसला लिया था कि जब मेरी टीम के खिलाड़ी सितंबर में IPL में व्यस्त होंगे तो मैं समर सीजन की तैयारी करूंगा। स्टार्क ने 2015 में RCB टीम के लिए आखिरी बार IPL में खेला था, उस साल 2016 में नहीं खेले थे, बाद में फ्रेंचाइजी द्वारा रिलीज कर दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों 2018 IPL के सीजन में KKR की टीम ने मिचेल स्टार्क को खरीदा, लेकिन चोट के कारण वह पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। इसके बाद 2019 में वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए स्टार्क ने IPL में नहीं खेलने का फैसला लिया था। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।